हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसे आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। वैसे तो अगर हम किसी भी चीज़ का अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो वो अच्छा है। जस्ट लाइक वैसे ही ये सोशल मीडिया भी हमारा है, अगर हम इसका यूज़ अच्छे से करें तो ये बहुत अच्छा है, और अगर हम इसका मिस यूज़ करते हैं तो फिर ये तो बुरा है ही है। तो बस इसी सोशल मीडिया की वजह से ही देखिए, आज किसी की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। तो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी ये बहुत ही फेमस है, ये है बाबा का ढाबा, जो कि दिल्ली के मालवीय नगर में है। ये तो इनकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि आप ये जो बुज़ुर्ग देख रहे हैं, दो ये दोनों सोचिए कितने ओल्ड एज दिख रहे हैं। इनकी एज 80 ईयर्स है और ये एक ढाबा चला रहे थे दिल्ली के मालवीय नगर में। हनुमान मंदिर के पास में इनका ढाबा है, और इनका ढाबा पहले तो ठीक ठाक चल जाता था कि चलो इनके जो भी रोज़मर्रा की जो भी इनकी ज़रूरतें थी वो पूरा हो जाती थी। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, कि इनका जो बिल्कुल, वो तो आप सबको ही पता है कि ये कोरोना की वजह से कोई भी कहीं भी बाहर का खाना नहीं खा रहा है, तो उसकी वजह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसी बीच वहाँ पे हमारे एक कोई यूट्यूबर भाई हमारे उनके पास पहुंच गए, और उनकी वजह से ही इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। तो भाई, ऊपर वाला उस यूट्यूबर का भी बहुत ही भला करे कि जो इन तक पहुंचा और उसकी वजह से इनकी लाइफ को इस तरह से चेंज कर दी। तो ये सोचिए, 80 ईयर्स के होने के बावजूद ये इतनी मेहनत कर रहे थे। तो बस इनसे हम सबको सीख भी लेनी चाहिए कि हमें कभी भी हार नहीं मानना है। हमें अपनी ज़िंदगी में, हम जो भी किसी भी काम में लगे तो हमें उसमें दिल से लगना है और को दिल से करना है। तो बस उसी की ये एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। तो बस इनके साथ यही हुआ था कि ये पहले ढाबा चलाते थे, और जब से कोरोना हुआ है तब से इनका ढाबा बिल्कुल चलना बंद हो गया। फिर जो हमारे यूट्यूबर इनके पास पहुंचे तो उनको इन्होंने अपनी स्टोरी बताई। स्टोरी बता बता बताते बताते ये थोड़ा इमोशनल हो गए। तो जिसको यूट्यूबर ने हमारे अपने शेयर किया, शेयर करने से इन तक अब ऐसा हो गया कि इन तक अब आप देख सकते हैं, लोगों की इतनी भीड़ पहुंचने लगी है, अब बिल्कुल लाइन लग के इनके पास लोगों का खाना लोग खाने लग गए हैं लेकर के। और जो है, ऐसा नहीं है कि जो ये ढाबा होता है या जो ठेले होते हैं इसके खाना अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं, बल्कि ये खाने में टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन वही है ना कि लोग इनके पास जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों, हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ये जो कर रहे हैं ये मेहनत से कर रहे हैं, तो इनके मेहनत के लिए हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। तो बस हमारी यही गुजारिश है कि आप सब भी अगर दिल्ली में हैं तो इनके पास एक बार ज़रूर जाइए, इनसे मिलिए, और इनकी आप लोग जहाँ तक हो सके हेल्प कीजिए। इनका एड्रेस भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइए, और इनकी हेल्प के लिए हर कोई आगे आ रहा है। ये जो हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी भी इनके हेल्प के लिए आगे आए हैं, बॉलीवुड से भी बहुत लोग इनकी हेल्प के लिए आए हैं, जस्ट लाइक रवीना टंडन, अक्षय कुमार और भी बहुत हैं जो इनकी हेल्प के लिए आए हैं। तो हमें भी इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कैसे ये इनकी हेल्प कर रहे हैं। अब मैं आपको इनका घर दिखाती हूँ, देखिए ये किस तरह कितने छोटे से घर में अपना गुजारा करते हैं। तो आप इनका घर देख सकते हैं, ये वहीं पे ही है इनका घर, थोड़ी दूर पे जहाँ पे ये ढाबा है। तो आप इनका घर देख सकते हैं, ये इनकी सीढ़ियाँ हैं, आप देख रहे होंगे कितनी, मतलब बुरे हालात में इनकी सीढ़ी है। ये इनकी बेटी हैं और ये इनकी बेटी की बेटी हैं, और इनके दो बेटे हैं, ये पूरी फैमिली इनका एक साथ रहती है। तो पहले इनके बेटे भी कुछ करते थे, बट जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उनका बेटों ने भी कुछ नहीं किया हो, तो पूरे घर का खर्च सोच सकते हैं आप कि कैसे ये बुज़ुर्ग मतलब चला रहे होंगे। और आप इनके घर की भी हालात आप देख रहे हैं, किस तरह से दीवारें इस तरह से क्रैक हो रखी हैं, तो इस तरह के घर में रहना भी कितना रिस्की है। और ये आंटी को भी देखिए, जब बात करते हैं तो बिल्कुल इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें इनके हिम्मत की कद्र करनी होगी, और हमें इनसे बहुत कुछ सीख भी लेनी होगी कि हम अगर जो भी अगर हम सोचें तो हम उस पर अगर चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। तो बस आप सब इनका सपोर्ट कीजिए, और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इनका ही सपोर्ट करना है या हम दिल्ली में रह रहे हैं तभी हम इनका सपोर्ट करें, ऐसे इनके जैसे बहुत सारे लोग बहुत जगह हैं जिनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। जैसे इस तरह से बहुत से रोड के किनारे जो लगाकर चीज़ें बेचते हैं, तो हमें उनकी भी, हम उस तरह से तो हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उस तरह नहीं करते तो हम इनसे चीज़ें खरीद कर ही हमें इनकी हेल्प कर
चाहिए, जिससे उनकी उन्हें अपना इंसल्ट भी नहीं फील होगी और हम उनकी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प कर लेंगे। बहुत जगह हमने देखा है इस तरह से बच्चे बेचते रहते हैं, जब हम गाड़ियों से जाते हैं तो जो ट्रैफिक लाइट होता है वहाँ पे बच्चे किनारे में फ्लावर्स या कुछ भी बेचते रहते हैं, तो हमें उनसे ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत नहीं भी हो और अगर हम ख़रीद सकते हैं तो हमें ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए, इस तरह से भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो बस हमारा कहने का मतलब यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली में ही, आप कहीं भी रह रहे हों तो इस तरह से छोटे छोटे से काम करके हम किसी की बहुत ही बड़ी हेल्प कर सकते हैं। और इस छोटी से हेल्प करके हम सोच सकते हैं कि उनके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आ जाती है और हमारे मन को भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप एक बार इस तरह ज़रूर करके देखिएगा, आप खुद में ही फील करेंगे कि आपको इस तरह किसी की हेल्प करके कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज से हम सबकी हेल्प करते हैं। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि तो बिल्कुल जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं उनसे बार्गेनिंग करते हैं, तो प्लीज़ ये मत कीजिए। ये बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो आप ये सोचिए कि ये छोटे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो बस इसी नाते इनकी आप जो मांगे इनको आप प्लीज़ दे दिया कीजिए। और हो सके तो कुछ नहीं तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियोज़ लोग देखें और देख के हर कोई मोटिवेट हो और हर किसी की हेल्प करे। तो ये इन अंकल आंटी का एड्रेस है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं इनकी हेल्प करना चाहते तो प्लीज़ आप इस एड्रेस पे जाके इनकी हेल्प कर सकते हैं।